Very very good evening to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ये देखिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे ना कार्बन कंपाउंड्स की, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब जैसे केमिकल रिएक्शंस की हमने बात करी थी, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है. मान लो कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अपना नेचर चेंज कर लेता है, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है. तो केमिकल रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की, हम वो देखेंगे कि मतलब जो कार्बन कंपाउंड है जो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो मतलब किस तरह का कन्वर्जन शो करता है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं. क्योंकि देखिए, हमने बात की थी कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल्स जो है ना कार्बन से बने हैं. इवन जो बहुत सारा फ्यूल्स है, तो फ्यूल्स है वो या तो कार्बन है या कार्बन के कंपाउंड्स हैं. तो हमें मतलब कार्बन, हमने बताया कि इतना इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे कम्बशन. कम्बशन का मतलब होता है जलना. यहाँ पे हम बात करेंगे कि कार्बन किसी भी फॉर्म में हो, मतलब जैसे हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई थी कार्बन की, कार्बन जो है कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स वो होते हैं कि एक ही एलिमेंट है बट वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. जैसे हमने कार्बन के एलोट्रोप जो फॉर्म है उनकी बात की थी, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, फुलरिंस है. तो यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है ना, कार्बन के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या क्या मिलता है. हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जो लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट रिलीज करते हैं. अब यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 में हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी, ये कुछ उसी तरह की रिएक्शंस हैं. क्योंकि हमने कंबशन रिएक्शंस, हमने जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी, अगर आपको याद हो कि चैप्टर 1 में जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो सिमिलरली जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो आपका कार्बन ऑक्साइड बन रहा है. लेकिन कार्बन की जैसे बहुत सारी कार्बन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. अगर ये मीथेन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, या हम यूं कहें कि व्हेन मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या रिलीज होगा. तब आपका रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, SH2O और हीट एंड लाइट. सिमिलरली आप इथेनॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, कार्बन कंपाउंड है ना. मीथेन भी आपका कार्बन कंपाउंड है, आपका फ्यूल में बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इथेनॉल आपका कार्बन कंपाउंड है. जब इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या क्या कंपाउंड रिलीज होंगे, आपकी CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं एंड हीट एंड लाइट. तो मेनली बात यह है कि जब भी कंबशन प्रोसेस होता है, कार्बन के कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं, तो जो मेन रिलीज होता है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. अब यहाँ पे जो रिएक्शन 2 और 3 है, क्या आप उनको बैलेंस कर सकते हैं. देखिए, हम इनको बैलेंस करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए, हमने रिएक्शन 2 यूज किया. यहाँ पे जब आपका मीथेन जो है बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी सी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड. अब यहाँ पे अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका यहाँ भी 1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी आपका 1 है. अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखिए 4 है, और इधर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है. हम इसको बैलेंस कर लेंगे. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हमारे पास, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गए. यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है. अब ये बैलेंस हो गया. अब हम देखेंगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कितने हैं. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए. 2+2, 4 ऑक्सीजन है, बट रिएक्टेंट साइड में अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है. अगर हम 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे. तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी. तो बैलेंस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स
मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वॉटर। या हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल की टर्म में बोलेंगे, और मोल्स की टर्म में बात करेंगे तो मोल्स बोलेंगे। अगर 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ वॉटर। तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन को, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो भी देख लेते हैं। हाँ, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कि व्हेन इथेनॉल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वॉटर मॉलिक्यूल, लाइट एंड एनर्जी। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे हम देखेंगे कि CH3CH2OH, यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि कितने मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होगा व्हेन 1 मोल ऑफ इथेनॉल बर्न विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हमें बैलेंस रिएक्शन देखना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट बर्निंग देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे 2 मोल जो ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन है, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अगर होता है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हमें बैलेंस करना है, 6 हाइड्रोजन चाहिए। अगर हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो 6 हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा, ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट में हम ऑक्सीजन देखेंगे कि कितना आ रहे हैं, 2 2 4, 4 यहाँ पे है और 3 है, 4 प्लस 3 7, 7 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, तो अभी हमें 7 चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे इथेनॉल में 1 है, तो अभी 6 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे एक 6 ऑक्सीजन के लिए कैसे क्या करेंगे, एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7 हो गया, प्रोडक्ट में भी हमारा 7 है, रिएक्टेंट में भी 7 है। तो हमारी क्या हो जाएगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लाइट एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि जब आपका बर्निंग होता है तो किस तरह से, मतलब आपकी जो है फ्लेम का कलर क्या होगा और किस तरह का जो है स्मोक रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि जब आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका जो फ्लेम है वो एक क्लीन फ्लेम रहता है, और इसमें जो आपका फ्लेम जो है क्लीन रहता है। लेकिन जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जब बर्न होते हैं तो दे गिव ए येलो फ्लेम विद लोट ऑफ ब्लैक स्मोक। तो समझ में आ गया, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके बर्न होते हैं तो दे गिव ए क्लीन फ्लेम, वेल जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं दे गिव ए येलो फ्लेम विद लोट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो एक तो आपकी प्रॉपर्टी ये होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो किस तरह का फ्लेम आता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो किस तरह का फ्लेम आता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अच्छा, इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जब मान लो हम किसी हाइड्रोकार्बन को, चाहे वो आपका सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, या मान लो जैसे हमने जब किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया और उसके ऊपर मेटल प्लेट हमने रख दिया है, तो एक सूडी डिपोजिट देखते हैं। तो वो जो सूडी डिपोजिट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, ये आपका जो ब्लैक स्मोक है इसकी वजह से होता है। लेकिन जैसे हमने बताया ना, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपका कंप्लीट कम्बशन है, आपका कंप्लीटली बर्न हो रहा है, तब तो ये आपका जो सूडी डिपोजिट है वो नहीं होगा। लेकिन मान लो एयर सप्लाई कम हो गई, जैसे हमने बैलेंस रिएक्शन अभी देखी थी, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 1 मोल ऑफ CH4 को कंप्लीट बर्न होने के लिए हमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बट मान लो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट नहीं है, हमने CH4 को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया, तो कंप्लीट बर्न नहीं होगा। अगर कंप्लीट बर्न नहीं होगा तब भी जो है ना आपका सूडी डिपोजिट होगा, वो जो धुआं ब्लैक स्मोक जो है रिलीज होगा। और यही रीजन है कि जब भी आप घरों में देखोगे कि आपका कोई गैस या केरोसिन स्टोव है, उसमें एक इनलेट दिया होता है एयर के लिए, ताकि जो आपका जो ऑक्सीजन जितना, मतलब जो आपका फ्यूल है उसको कंप्लीट बर्न होने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है
वो अच्छे से उसके पास पहुंच सके। किसके पास? जो आपका गैस है या फ्यूल है, केरोसिन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, तो फ्यूल के बर्निंग के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो उसके, इसीलिए वहां पे जो है ना जो स्टोव है उसमें एयर के लिए इनलेट दिया जाता है। और अगर आपका फ्यूल जो है ना अच्छे से बर्न होगा, कंप्लीटली बर्न होगा, तो एक क्लीन ब्लू फ्लेम आपको मिलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। लेकिन कई बार आप देखोगे कि जैसे गैस स्टोव के ऊपर आप बर्तन रख रहे हैं, तो जो आपका कुकिंग वेसल्स का बॉटम जो है ना वो ब्लैक एंड हो जाता है, थोड़ा काला पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके स्टोव में एयर होल्स है ना वो थोड़े ब्लॉक हो गए हैं, उनमें थोड़ी रुकावट आ गई है, और आपका फ्यूल जो है ना वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है। यही रीजन है कि आपकी जो बॉटम है कुकिंग वेसल्स की वो काला पड़ रहा है। तो उसका रीजन यही है कि आपका फ्यूल जो है ना वेस्ट हो रहा है, आपकी गैस जो है ना वेस्ट जा रही है, क्योंकि जो आपके एयर होल है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो आप उनको क्लीन करके यूज कीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इनमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, और जब नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ये जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, दीज आर द मेजर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट। तो इसलिए ना इन सबको मतलब इन सब के यूज को बचाना होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि कोल का जो बर्निंग है या पेट्रोलियम बर्निंग है उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो वो पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बर्न होते हैं कम्बुशन से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, और दीज आर द मेजर पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होगा, अभी हम बात कर रहे थे जो कम्बशन है ना वो आपका ऑक्सीडेशन पे ही बेस्ड है। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो कार्बन कंपाउंड है दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कम्बशन। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे अगर हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ पे ये देखिए हम ये रिएक्शन देख लेते हैं, ये हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल जो है एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में, मतलब इन दोनों में से हम कोई भी ले लें और हीट करें, यानी कि हमने इथेनॉल लिया या फिर इन दोनों में से कोई भी एक लिया और हीट किया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो हमारा इथेनॉल है ना वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए हमने क्या बताया, इसमें ना ये जो आपका मोलिक्यूल था इसमें एक और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो आपने एजेंट लिए ना, कि जैसे आपने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया, आपने एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट लिया, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो जो ये जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना। दीज सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर्स। इसमें जैसे आपका इथेनॉल था इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, जैसे इसने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया इसका नेचर ही चेंज हो गया, तो आपका अल्कोहल से एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये जो सब्सटेंस आपने यूज किए जो ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प कर रहे थे या कैपेबल थे, इनको तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो आपका KMnO4 और K2Cr2O7 ये आपके क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस तरह की रिएक्शन है, मान लो आपका इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और आपका जो एजेंट है वो यूज हो रहा है एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 आपका एजेंट यूज हो रहा है, तो ये आपका इस तरह से काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या न्यूट्रल, तो ये आपका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन एड करने में ये कैपेबल है टू द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अल्कलाइल पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के ही नाम है, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। अल्कोहल में एक और ऑक्सीजन को ऐड किया और इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। ये देखिए एडिशन रिएक्शन में जैसे क्या है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं,
इनमें हाइड्रोजन ऐड करके इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या है कि कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे पैलेडियम यूज कर लिया, निकल यूज कर लिया, तो जब ये रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये केमिकल रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो दे आर कन्वर्टेड इंटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे देखिए, हमने अगर निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया, तो देखिए आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहीं भी आपको निकल नहीं मिलेगा। जब पैलेडियम हमने यूज किया तो पैलेडियम कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कैटलिस्ट जो है खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन कहाँ यूज होती है? इसकी एप्लीकेशन होती है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है ना, वेजिटेबल ऑयल्स बहुत मतलब वेजिटेबल ऑयल ऐसे होते हैं जहां पे अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है, जिनमें एक लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है, तो उसको हाइड्रोजिनेट करने में, इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये आपका एडिशन रिएक्शन यूज होता है। मतलब बहुत सारी जगह यूज होता है, बट एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये जो कॉमनली यूज है इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एडिशन रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं कि कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे निकिल एज ए कैटलिस्ट यूज हो सकता है। जो वेजिटेबल ऑयल है, जनरली हमने बताया कि इनमें लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है, और अगर एनिमल फैट्स की बात करें तो ये जो है ना सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। अच्छा, अगर अगर हम ह्यूमन बींग की हेल्थ के लिए बात करें, तो फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके अनसेचुरेटेड कार्बन चेन है वो ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड। क्योंकि हमने बताया ना कि सैचुरेटेड वाले जो है ना बहुत ही स्टेबल से होते हैं, और जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, तभी हमें फूड से एनर्जी मिलती है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए, अब जितना मतलब जैसे अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको ब्रेक जो है ना जो भी चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी तो मतलब उसके रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगी, तो जो है ना वो आपके ब्रेक डाउन इजीली हो जाएंगे एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। ऑल्दो वहां पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें अलग फैक्टर हैं, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन जो बॉडी के हेल्थ के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद है वो है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, वो मैंने बता दिया, क्योंकि वो इतने रिएक्टिव होते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा, एड भी आती है कि सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। जो एनिमल फैट है, हमने बताया कि उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि वो हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं। और जिन ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको जनरली चूज किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पज। हमने बताया ना कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो मतलब दे आर रिएक्टिव और दे विल ब्रेक डाउन एंड दे गिव अस एनर्जी। अब लास्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम समझने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो आपके पास एक टीम है, और एक टीम में सपोज करो कि आपके पास 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स की एक टीम है, और इसमें मान लो एक आपका प्लेयर है ए, है ना, और इस ए प्लेयर को कोई बी प्लेयर, आपने देखा मान लो इस ए प्लेयर को चोट लग जाती है या कोई तकलीफ हो जाती है, फिजिकली अनफिट हो जाता है, तो इस बी प्लेयर को ए की जगह भेज दिया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। मतलब ना हमने ऐड किया ना निकाला, बस एक को रिप्लेस कर दिया दूसरे से, तो यहाँ पे बी जो है ए को रिप्लेस करेगा। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो जो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने अभी बताया कि दे आर फेयरली अनरिएक्टिव और इनर्ट होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब जैसे सुस्त से होते हैं, रिएजेंट की प्रेजेंस में कभी कभी रिएक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज दे आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। मतलब भाई हाँ, बस हम स्टेबल हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उस तरह की सिचुएशन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसीलिए वो बोलते हैं ना कि हेल्थ के लिए जो है ना बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो कुछ हाइड्रोकार्बन है, जैसे मिथेन है, या हम बात करें जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है, मिथेन है, इथेन है, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसमें क्लोरीन ऐड करें तो क्लोरीन क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन।
और ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को, क्योंकि हमने बताया ना, ये देखिए, ये आपका मिथेन था, मिथेन में आपके कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। जब मिथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हुआ, ये देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से आपका क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल ये हो जाएगा। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये देखिए, इस हाइड्रोजन को मान लो, पहले ये देखिए, जब आपने मिथेन देखा तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन क्लोरीन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप देखेंगे ना, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है ना, तो आपका मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3Cl बन गया, और प्लस आपका जो एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला था वो बचे हुए दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सब्सटीट्यूशन हुआ, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हुआ आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, कंबशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट था हमारा एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद बीच बीच में जो कुछ नोट है उनके लिए हम अलग से वीडियो बना लेते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।